सुपर ड्रैगन बॉल हीरोज़ के एपिसोड 35 में आप सभी का स्वागत है। इस वाले एपिसोड की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कुछ पसीना एक आदमी का टपकता है और वो बहुत ज़्यादा हाँफ रहा होता है और ये हमारा वेजिटा होता है जो कि सुपर सैन ब्लू की फॉर्म में होता है और ये बहुत ज़्यादा थक चुका है और उसके सामने कुंबर और टर्लस खड़े रहते हैं। कुंबर यहाँ पर सुपर सैन में ट्रांसफॉर्म हुआ खड़ा है और जो कि वेजिटा को घोरता रहता है। वेजिटा अपनी एनर्जी बढ़ाता है और उसके ऊपर अटैक करने के लिए चला जाता है। तभी कुंबर अपने हाथ में एक एनर्जी बनाता है और वेजिटा को मारता है जिससे वेजिटा पीछे जाकर गिरता है और बहुत ही ज़्यादा बुरी हालत में होता है। और तभी कुंबर कहता है, बुराई ही सैयन की असली फितरत होती है और तुमने अपनी फितरत छोड़ दी है। तुम्हारे बाजू की अब कोई कीमत नहीं रही क्योंकि तुमने अपनी शान को खो दिया है। तभी कुंबर के पास एक एनर्जी अटैक उड़ा हुआ आता है और कुंबर उस अटैक को तबाह कर देता है और ये अटैक टर्लस ने मारा है। टर्लस कहता है, मेरे बारे में क्यों भूल रहे हो? ट्री ऑफ माइट से मुझे जो शैतानी शक्ति मिली है उससे मैं सबसे ताकतवर सैयन बन गया हूँ। जिसे देखकर जो कुंबर है वो कहता है, दिलचस्प, तो मुझे अपनी ताकत दिखाओ और अपनी पूरी ताकत से मेरे साथ लड़ो। और तभी वहीं पर गोकू और हर्ष आ जाते हैं और गोकू वेजिटा की हालत देखकर कहता है, वेजिटा क्या तुम ठीक हो? हर्ष वहाँ का माहौल देखता है और कहता है, कुंबर तुम काफ़ी समय से अपनी आज़ादी का बहुत अच्छे से मज़ा ले रहे हो। तभी वहाँ पर वही पोशाक वाला बंदा आता है और आकर अपनी एनर्जी बढ़ाता है और सुपर सैयन रोज में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। गोकू से देखकर कहता है, तुम तो ब्लैक। गमासो कहता है, तुम्हें हराने के बाद मेरी बॉडी की पूरी ताकत मिल जाएगी और फिर मैं इस बॉडी को अपने हिसाब से यूज़ कर पाऊँगा। तभी गोकू सुपर सैयन ब्लू में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और जमासो स्पीड से आता है और उसके ऊपर अटैक करता है, पर गोकू उसके सारे अटैक रोकता रहता है और दोनों लड़ते लड़ते हवा में चले जाते हैं। वो कहता है, सिट जमासो। फिर हमें वेजिटा दिखाया जाता है जो कहता है, ये यहाँ क्या कर रहा है और ये यहाँ कैसे आया? तभी टर्लस आकर वेजिटा के मुँह पर मुक्का मारता है और कहता है, आपका ध्यान कहाँ है प्यारे राजकुमार? और तभी कुंबर भी टर्लस के ऊपर अटैक करता है और फिर टर्लस उसके ऊपर आकर अटैक करता है। वेजिटा खड़ा होता है और कहता है, कमी नहीं कहेंगे? टर्लस कहता है, शानदार, तुम तो एक सैयन हो, तुम्हें अपनी बुराई को याद करना चाहिए वरना ये तुम्हारे लिए बहुत बुरा हो सकता है। और तभी जो टर्लस है उसे काली एनर्जी देता है और वो सारी एनर्जी वेजिटा को घेर लेती है। वेजिटा को कुछ फ्लैशबैक याद आता है कि किस तरह से जब वो पृथ्वी पर आया था और नापा मरने वाला था, नापा ने उसे हेल्प मांगी थी तो उसने नापा का हाथ पकड़कर उसे हवा में फेंक दिया था और नापा बचाव बचाव चिल्ला रहा था, इतने में उसने उसे तबाह कर दिया था। और प्लैनेट नेमिक पर भी उसने बहुत सारे लोगों को मारा था और उसके याद आता है कि बुराई ही सैयन की असली फितरत होती है और फिर वो याद करता रहता है कि किस तरह से उसने नीरे सैयन को मारा था। लेकिन फिर एक दिन उसे भी मार दिया गया, वो भी फ्रीजा के द्वारा, और उस टाइम वो बहुत ज़्यादा दुखी था, इतना दुखी शायद वो ज़िंदगी में कभी नहीं हुआ। और फ्रीजा ने उसका, उसके परिवार का और उसकी शान का बहुत ज़्यादा मजाक उड़ाया था। उस दौरान वेजिटा ने रोकर भीख मांगी थी गोकू से कि मेरी मदद करो। फिर उसके याद आता है कि किस तरह से जब कैकरोट माजिम्बो के साथ लड़ रहा था और वो ये खड़ा हुआ देख रहा था और सोच रहा था कि एक सैयन ऐसा कैसे कर सकता है, एक सैयन ऐसा कैसे हो सकता है, वही पुरानी डायलॉग जो आपको ड्रैगन बॉल जी की हमारी वीडियो में मिल जाएगा। और फिर तभी वो कहता है, बुराई हमारी असली फितरत नहीं है, ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि जो सैयन है उसकी असली फितरत बुराई नहीं है और जो उसकी असली फितरत है। और ये कहकर जो सैयन आँख खोलता है उसकी आँखें लाल हो जाती है और वेजिटा फिर ज़ोर ज़ोर से चिल्लाना शुरू कर देता है और वो इतनी ज़ोर ज़ोर से चिल्लाता है और अपनी एनर्जी को कंट्रोल करने की कोशिश करता है। धीरे धीरे उसका शरीर उसके कंट्रोल में आना शुरू हो जाता है और उसकी आंखें बिल्कुल नॉर्मल हो जाती है और वो काले कलर का ओरा उसे चारों तरफ से घेर लेता है और वो टर्लस की दी हुई सारी शक्तियों को अपने हिसाब से यूज़ करता है और वो उसे कंट्रोल कर लेता है। कुंबरी देखकर थोड़ा सोचता है। टर्लस कहता है, उसने उस शक्ति को काबू कर लिया। तभी वेजिटा स्पीड से उसके पास आता है और उसके पेट में एक ज़बरदस्त मुक्का मारकर उसे दूर फेंक देता है। फिर पीछे से आकर उसकी कमर पर लात मारता है और टर्लस को दूर फेंक देता है। टर्लस साइड में पड़ा रहता है। वेजिटा उसके पास आकर खड़ा होता है और कहता है, तुम्हें लगता है बुराई हम सैयन की असली फितरत है? ऐसा नहीं है और असली सैयन जाति की फितरत यह है कि लड़ते रहना, बिना रुके लड़ते रहना और बिना रुके ट्रेनिंग करना और ज़्यादा से ज़्यादा ताकतवर बनना। और वो स्पीड से जाता है और टर्लस के ऊपर बहुत सारे अटैक करता है
और एक लात मारकर टल्लस को ज़मीन में धंसा देता है और टल्लस वहाँ पर चित पड़ा रहता है। और तभी जो कुंभर है वो भी ज़ोर से चिल्लाता है और कहता है, अपनी इस ताकत से मेरे साथ लड़ो, जल्दी से लड़ो मुझसे। और ये कहकर वो उसके ऊपर अटैक करने के लिए आता है, पर वेजिटा उसके पास जाता है और उसके ऊपर अटैक करता है और कहता है, अच्छाई और बुराई की कोई मायने नहीं होते अगर बात सिर्फ ताकत हासिल करने की हो। और वो एक मुक्का मारकर कुंभर को दूर कर देता है और अपने हाथ में एक बहुत बड़ा एनर्जी अटैक बनाता है और उसे कुंभर को फेंक कर मारता है। और वो अटैक कुंभर को लगता है और सारे में धुआं ही धुआं हो जाता है। जैसे ही वो धुआं हटता है, जो कुंभर है वो तो सही सलामत खड़ा है, लेकिन उसके मुंह का मास्क टूट गया है। और कुंभर कहता है, क्या बात है, तुमने उस शैतानी ताकत को अपनी शक्ति में बदल दिया, तुम कमाल के हो मेरे दोस्त। और ये कहकर जो कुंभर है वो बेहोश होकर गिर जाता है। वेजिटा चुपचाप से उसे खड़ा हुआ देखता रहता है। टल्लस भी उड़ता है और अपनी आंखें खोलकर देखता है और कहता है, वेजिटा। वेजिटा कहता है, जाकर ट्रेनिंग करो, अगर तुम एक असली सैयन हो तो ज़रा अपने गौरव को बचा के रखो और ट्रेनिंग करके आओ और मुझसे लड़ो। टल्लस कहता है, फिर से एक मामूली लो क्लास योद्धा बनना पड़ेगा, चलो ठीक है, मुझे ये भी मंजूर है। और तभी वेजिटा को एहसास होता है कि बगल में खड़े हुए जमासू ने गोकू को हरा दिया है और उसने गोकू की गर्दन पकड़ के रखी है और गोकू अपनी बेस फॉर्म में आ गया है और वो गोकू की गर्दन भींच के रखता है। और तभी ये वाला एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है। अगर वो वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मैं मिलता हूँ आपसे अगले एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।